ठीक है, तो ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इस मिरर का सेंटर जो है, इस मिरर का सेंटर जो है, इस मिरर का जो सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? पोल। इस सेंटर को क्या कहते हैं? पोल। तो जब हम लोग पोल की बात करते हैं, तो पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज व्हाट? पोल। और इसको हमने डिनोट किससे किया है? लेटर पी से। ठीक है, ये तो हुई पहली कहानी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने लेबल किया है एक्स एक्स डैश, ये जो हम लोगों ने लेबल किया है एक्स एक्स डैश, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? हमारी एंड पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे तो कोई एंड पॉइंट होते नहीं, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। ठीक है ना, तो एक्स एक्स डैश क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर थिकनेस बिल्कुल रखी तो भी इसे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होती है? पोल से पास होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? हम लोग इस मिरर को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब क्योंकि इस मिरर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं जूसर, यानी कि ये एक स्फेरिकल सरफेस से कटके बना होगा, यानी कि एक स्फीयर टाइप की बॉल होगी जिससे ये कटकर क्या होगा? बना हुआ होगा। ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं ये जो स्फीयर था जिससे हम लोगों ने मिरर काटा, सपोज इस तरह का कोई स्फीयर होगा जहां से हम लोगों ने ये मिरर 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 से लाइट पास नहीं होती, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये एक्सेस बेटा रे ऑफ लाइट नहीं है। तो सपोज ये स्फीयर है, इस स्फीयर में से हम लोगों ने क्या करा होगा? इतना मिरर काटा होगा। तो ये हमारा मिरर है, ये वाला पोर्शन, दिस इज आवर मिरर। और जिस सरफेस से ये कटा है उसका जो सेंटर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सिमिलरली जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें, तो उसको किससे कर रहे हैं? पॉइंट सी से। किससे डिफाइन कर रहे हैं? पॉइंट सी से। जब हम लोग सी पी को देखें, सपोज ये मेरा मिरर है, ठीक है, अब अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा? सी। ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा? पी। क्या पी सी रेडियस है? क्या पी सी रेडियस है? हाँ कि नहीं? क्या पी सी रेडियस है? अगर सी सेंटर है मोक तो छुट्टी हाँ, यहाँ के बैठ दो। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि पीसी क्या है? रेडियस है, तो जो पीसी यहाँ है क्या वही पीसी यहाँ पर भी है? तो यानी कि अगर इसे हम लोग सेंटर बोलेंगे तो क्या इसे हम लोग रेडियस नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो बेटा ये जो पीसी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना होगा, जब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना होगा, तो मैं कैसे करूंगी? पहली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरा? पीसी। ठीक है ना, पीसी को बोलेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल
surface of which mirror is a part. तो ये उस spherical surface का क्या है, ये उस spherical surface का curvature radius है जिस spherical surface को काटकर हमने ये mirror निकाला है. ओके अगेन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब लोग पेन रख दो, सब लोग पेन रख हो जाएगी. तो जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे आके जब कन्वर्ट हो जाएगी तो वो सिंगल पॉइंट जिस पे ये सारी रेज आकर क्या होती है, कन्वर्ज होती है, उस सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस. ओके सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल फोकस की डिफाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. रीजन, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर को हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कन्वेक्स मिरर को अलग डिफाइन करते हैं, कॉन्केव लेंस को अलग डिफाइन करते हैं और कन्वेक्स लेंस को अलग डिफाइन करते हैं. डिफिनेशन का बेसिक ढांचा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन फर्क कहाँ आता है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है, कौन से मिरर में रेज एक्चुअली मीट कर रही है और कौन से रिवर मिरर में रेज मीट करती हुई दिख रही है. एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. ठीक है, आप सोचोगे कॉनकेव में मैं कुछ और लिख दूं और वही चीज कन्वेक्स में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, और क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, क्या बोला, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होगी और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस बोलेंगे. ओके चलो इसके अगर हम लोग डिफाइन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, दो मिनट बाद एंजल, principle focus of a concave mirror, पहले देख लो फिर लिख लेना. ठीक है, पहली बात, principle focus of a concave mirror अपने आप में क्या है, एक point है, ये अपने आप में क्या है, एक point है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, is a point on principal axis, is a point on principal axis. ठीक है, where rays parallel to principal axis, where rays parallel to principal axis. क्यों बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बोला था जो रेस पैरेलल आ रही है वही रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगी, जो रेस पैरेलल आ रही है वही रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आके क्या होगी, कन्वर्ज होगी. ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पहली बात इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक पॉइंट है, where rays parallel to principal axis converge after reflection. समझ में आया? ठीक है, focal length क्या होती है, it is the distance between the pole and the focus. पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं. ठीक है, क्यों जानना जरूरी है फोकल लेंथ, दो चीजों की वजह से. पहला, जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है तो उसमें फोकल लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दूसरा, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू. तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाँ. यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हुआ तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 25 हुआ तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 12.5. रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 50. और अगर फोकल लेंथ 10 हुई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20. तभी उल्टा पूछा, देखनी थी कौन मिला जा दे रहा. आया समझ में, क्लियर? तो ये हमारी किसकी कहानी है, जनरल टर्म्स की. ठीक है, अब सब लोग अगले 10 मिनट के लिए पेन नीचे रख देना. क्यों नीचे रख देना, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ये एग्जाम में आने वाले हैं, छप चुके हैं. पहली बात, ये अगर एज इट इज फॉर्म में एग्जाम में नहीं आएंगे, कि ऐसे नहीं हो सकता कि तुमसे पूछे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताओ, बट इसके बेसिस पर ही हम लोग क्या सीखेंगे, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे. यानी कि अगर ये रूल्स क्लियर है तो रे डायग्राम अच्छे से बना पाओगे. और लाइट चैप्टर की बैकबोन कौन है, रे डायग्राम.
ओके तो अगर ये रूल्स आए तो रे डायग्राम्स अच्छे से बना पाओगे, ये रूल्स नहीं आए तो रे डायग्राम्स बनाने कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा लाइफ लाइट जो है ये तुम्हारी अधूरी कहानी हमेशा रह जाएगी। क्लियर है? जो पहला रूल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है इस पे कोई फोकस भी होगा। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो वो क्या करेगी? फोकस से पास होगी। वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अपीयर्स टू डाइवर्ज लिखने की क्या नौबत आ गई? क्योंकि हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के रूल पढ़ रहे हैं, यानी कि जहां हमने कॉनकेव की बात करी वहां हमको कन्वेक्स की बात करनी पड़ेगी, वरना कन्वेक्स बुरा मान जाएगा। तो यानी कि अगर इस मिरर की जगह, कॉनकेव मिरर की जगह मेरे पास कन्वेक्स मिरर होता, तो क्या कन्वेक्स मिरर का अपने पास खुद के पास एक फोकस होता? हाँ बिल्कुल होता। पर कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता? यहाँ पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर से डाइवर्ज होती है। ठीक है, तो जो भी रे पैरेलल जाएगी, जो भी रे पैरेलल जाएगी, ये देख रे बना रहे वन शैरो के साथ, जो भी रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। जो भी रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। एक फोकस को एग्जांपल दें। आया समझ में? अभी आज सिर्फ दो ही रूल डिस्कस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरे को इसको बहुत जल्दी जल्दी कराने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन है। सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आ रही है, तो वो जैसी आई थी वैसी की वैसी क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। इट वुड रिट्रेस इट्स पाथ। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर कॉनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर होता, अगर मेरे पास क्या होता? कन्वेक्स मिरर होता, और इस कन्वेक्स मिरर पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी आती है, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मानो यहां से कोई लाइट आती, या ऐसा बोले यहां से कोई लाइट आती हुई दिखती, तो वो ऐसी आती और ऐसी वापस चली जाती, वो अपना पाथ क्या कर लेती? रिट्रेस कर लेती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों कि जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपना पाथ क्या करती है? रिट्रेस करती है। वो अपना पाथ रिट्रेस क्यों करती है? ठीक है, तो उसका रीजन है इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। नॉर्मली ऑन द मिरर मतलब होता है एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। अब क्योंकि कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे एट 90 डिग्री गिरती है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? जीरो। और क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? जीरो। यानी कि वो जैसी आई थी वैसा की वैसा अपना बात क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। Is it clear to everyone? Yes or no?